प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भाजपा सरकार पर जमकर हल्ला बोला है। आज आनी में उन्होंने बागवानों को मास्क बांटते हुए कहा कि कोरोना काल में हिमाचल की जनता बेहाल हुई है। सेब सीजन में बागवानों और किसानों को जयराम सरकार ने कोई राहत प्रदान नहीं की है। भाजपा सरकार ने बागवानों को नेपाली मजदूर उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया था। अब बागवान सेब सीजन में परेशानी झेल रहे हैं। हिमाचल की जनता पर 25% बस किराया बढ़ाकर सरकार के मंत्री आनंद से घूम रहे हैं। जब कांग्रेस के नेता प्रदेश में जनता की आवाज उठाते हैं, मास्क आदि सामग्री बांटते हैं, तो कांग्रेस के लोगों पर मुकदमे कर दिए जाते हैं। और सरकार पे असर भी हुआ जब इन्होंने हिमाचल के बॉर्डर पूरे खोल दिए। हमको मजबूरन सचिवालय का घेराव करना पड़ा। मैंने कहा कि हम टूरिज्म के विरोधी नहीं है, लेकिन हिमाचल में जो भी लोग आप बाहर से आ रहे हैं उनको एक प्रोटोकॉल के तहत लाइए। जो क्वारंटीन होने हैं उनको क्वारंटीन कीजिए। आप ये तो खुले इजाजत नहीं दे सकते ना। उसके बाद सरकार पे असर हुआ, थोड़े नियम सख्त हुए, तो आगे भी हमको जहाँ लगेगा। हालांकि मैंने अभी जो हमारे आंदोलन थे वो फिलहाल मैंने स्थगित किए कोरोना की वजह से, लेकिन जो भी सरकार का विरोध है, जो गलत नीतियों को लेके होगा, वो विरोध जो है कांग्रेस पार्टी जारी है। आने वाले समय में विपक्ष का क्या रोल रहेगा बेरोजगारी को कम करने और महंगाई को कम करने में क्या योगदान रहेगा? देखिए, हमने एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई है जी। मैंने एक एक्सपर्ट की कमेटी बनाई जिसमें कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं था। हमने बागवानी क्षेत्र से जो पूर्व वाइस चेयरमैन, खुद 45 पेज की एक रिपोर्ट हम मुख्यमंत्री को सौंपी। हमने सरकार को सुझाव दिए कि आने वाले समय हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग बिल्कुल बंद पड़े, वो कैसे हो, उसके लिए हमने मुख्यमंत्री को जो सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने कहा हम इस पर गौर करेंगे। अब हम तो सुझाव दे सकते हैं, सरकार तो उनकी है, अमल तो सरकार ने करना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार इस दिशा में प्रयास करेगी, जो मुझे अभी दिख नहीं रहा। अगर नहीं होगा तो जो विपक्ष का दायित्व तो वो तो हम कर ही रहे हैं। सरकार के कार्यकाल को आप कैसे आंकते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत निराशाजनक। अगर मैं देश की बात नहीं करना चाहता तब तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। अगर मैं अपने प्रदेश की बात करूँ तो सरकार जो है हर मोर्चे पर असफल सिद्ध हो रही है। और आप अभी देखेंगे कि तरक्की के काम सारे बंद पड़े हैं। जो काम कांग्रेस सरकार के समय में हुए थे, वीरभद्र सिंह जी के समय में हुए थे, जो काम पूरे हो रहे हैं, ये उसका फीता काट रहे हैं। मुझे बताइए ना कि कौन सा नया काम शुरू, कोई प्रदेश में नया काम शुरू नहीं हो रहा। पैसों का रोना रोते कांग्रेस के समय में ही हमारे आर्थिक समस्या रहती थी, लेकिन केंद्र सरकार से हमको मदद मिलती थी। अब तो केंद्र में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चुनाव के मौके में इन्होंने कहा था कि डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन दिल्ली में, एक हिमाचल में। अब वो जो डबल इंजन है वो तो हाँफ रहा है, तो कहीं तो वो गाड़ी बढ़ नहीं रही है। बहुत निराशाजनक है। और सरकार के जो फैसले हैं, सुबह कुछ फैसले लेते हैं, दिन को फैसले बदल जाते हैं, शाम को कुछ और मीडिया में रिपोर्टिंग होती है, तो ये सरकार जो है टिक नहीं रही। सर, यही बात है कि जैसे मुख्यमंत्री साहब ने यहाँ पर बस 25 जनवरी 2018 को घोषणा की थी, जिसमें आनी सब डिपो है, जिसमें आनी का ग्राउंड था, जिसमें काफी सारी घोषणाएं थी, उसके बारे में आपका क्या? आज तक तो कोई काम सका नहीं उसके बारे में। देखिए, ऐसे बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ घोषणाएं हो रही है, जब सारी जगह बात हो जाएगी उसके बाद जो है हम निष्कर्ष पे पहुँचेंगे। लेकिन फौरी तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना की वजह से बहुत सारी समस्याएं आ रही है। हमने लगभग 3 महीने पूर्व मुख्यमंत्री जी से बात की। मैं स्वयं, मेरे साथ हमारे पार्टी के विधायक विक्रमादित्य सिंह, नंदलाल जी, मोहनलाल ब्राक्टा मुख्यमंत्री जी से मिले और हमने उनको जो है एक पत्र भी दिया। हमारी मुख्य जो मांग थी उस वक्त, एक तो ये थी कि जो कार्टन है उनकी उपलब्धता रहनी चाहिए और लेबर की जो समस्या है उसके बारे में भी हमने कहा, क्योंकि नेपाल से लेबर नहीं आ पा रही है, तो हमने कहा कि हम नेपाल सरकार से बात करें और कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें ताकि ग्रोथ को समस्या नहीं आए। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि लेबर की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। जैसे तैसे करके हमारे जो बागवान हैं वो लेबर का प्रबंध कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस मोर्चे पर नाकाम रही है। क्योंकि अभी मेरी ये पहली मंडी है जहाँ मैंने जो है आपके निरीक्षण किया है। अभी तो मैं
निष्कर्ष पे नहीं आऊँगा, लेकिन जो भी कमियां मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं या आई हैं वो निश्चित तौर पे जब मेरा ये दौरा पूरा होगा मैं मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाऊँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक जिस ढंग के प्रबंध होने चाहिए वो प्रबंध अभी मुझे दिख नहीं रहे, क्योंकि हमारे जो ग्रोवर्स आ रहे हैं उनकी सुरक्षा का कोई भी मुझे कोई लगा नहीं कि कोई इतना ज़्यादा एहतियात बरती जा रही। तो सरकार को इस विषय पे जो है हम जान जब रिपोर्ट देंगे तो हमारी ये मांग रहेगी कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी किसानों की सेफ्टी, बागवानों की सेफ्टी है, हमारे जो मजदूर हैं, हमारे जो कमीशन एजेंट्स हैं उनकी सबकी सुरक्षा के बाद। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा कि मेरा अभी दौरा यहाँ से शुरू हुआ है। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो कहते हैं वहाँ से कुंभ में जाके कहा तो उसको क्या कहते हैं किसने कहा? मैंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो एहतियात नहीं बरतते। अब भारतीय जनता पार्टी के एक प्रदेश के प्रवक्ता हैं वो सचिवालय में आए, हाईकोर्ट आए और कोरोना फैला के चले गए, और सुखराम जो इनके मंत्री हैं वो तो सेलिब्रेशन कर रहे थे, कोरोना पॉजिटिव आए जहाँ जहाँ गए वहाँ कोरोना उनके साथ साथ चलता रहा, और वही मुख्यमंत्री जी के जो। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए आनी से छविंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हैप्पी फैशन मॉल नेर चौक मंडी भारी डिस्काउंट पर शुरू हो रही है सेल। 1 अगस्त से 15 सितंबर तक कुर्ती एक के साथ एक फ्री, कोट पैंट शेरवानी पर 30% डिस्काउंट, सूट साड़ी गाउन ड्रेसेस अनस्टिच सूटिंग और शर्टिंग पर 50% डिस्काउंट, जे हैमस्टर ट्राउजर के साथ शर्ट फ्री, नुमैरो रेमंड कलर प्लस यूएस पोलो पार्क एवेन्यू डब्ल्यू और ऑरिया पर 30% डिस्काउंट। तो जल्दी आइए हैप्पी फैशन मॉल नेर चौक मंडी।